2000 का नोट बदलने को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बाजार में दूसरे नोटों की कमी नहीं है। 2000 का नोट लाने के कई कारण थे। नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है। बैंक 2000 के नोट का पूरा ब्यौरा रखेंगे। लोग किसी तरह की अफरा तफरी में ना पड़े। 2000 के नोट ने अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर ली है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 का नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद किया गया है। नोट बदलने का डाटा तैयार करना होगा। 30 सितंबर तक 2000 के नोट से खरीदारी कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक जितना चाहे उतना 2000 के नोट बदल सकते हैं। बैंकों ने नोट बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। जब शक्तिकांत दास से पूछा गया कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोटों का क्या होगा, इस पर उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर के अंदर 2000 रुपए के मैक्सिमम नोट वापस आ जाएंगे। अगर उसके बाद भी बाजार में रहते हैं तो उसे लेकर आगे बताया जाएगा। यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहने का मतलब ये था कि लोग 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदलवा लें। We are therefore withdrawing it from circulation, these 2000 rupee notes, but they continue as legal tender. We have clearly explained in our press note that these 2000 notes were primarily issued for the purpose of quickly replenishing the value of money. शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि मैं स्पष्ट करता हूं और फिर जोर देता हूं कि यह रिजर्व बैंक के करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन का एक हिस्सा है। मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, वी विल डिसाइड। नो, वन क्वेश्चन फॉर पर्सन।